बुरहानपुर से जहां पर पत्रकारों से अभद्रता करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर एसआई रामबाबू राठौर को लाइन अटैच कर दिया गया है। पत्रकारों से गाली गलौज करते हुए हाथापाई की गई थी। शराब की गाड़ी पकड़े जाने पर कवरेज करने पहुंचे थे पत्रकार। तो बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्रकारों से अभद्रता करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर एसआई रामबाबू राठौर को लाइन अटैच किया गया है। आपको बता दें कि पत्रकारों से गाली गलौज करते हुए हाथापाई की गई थी। शराब की गाड़ी पकड़े जाने पर कवरेज करने पहुंचे थे पत्रकार, जिस दौरान एसआई रामबाबू राठौर ने पत्रकारों से गाली गलौज करते हुए हाथापाई की थी, जिसके चलते एसआई को लाइन अटैच किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी सुनील, पत्रकारों से अभद्रता करने के मामले में एसआई को लाइन अटैच किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी अच्छा, बताना चाहता हूँ कि बुरहानपुर के नेपाल नगर थाना क्षेत्र के अंदर मीडिया कर्मियों ने जो कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, वहाँ पर शराब को लेकर वीडियो बना रहे थे, जिसको लेकर रामबाबू राठौर ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया था और गाली गलौज की थी। इसकी शिकायत पत्रकारों ने जब थाने को और एसपी को की गई, तो एसपी ने उसे लाइन अटैच कर दिया गया। जी सुनील, इस पूरे मामले पर एसआई जिसने अभद्रता की है उनका क्या कुछ कहना है? रामबाबू राठौर ने इसके पहले भी मीडिया कर्मी से गणपति थाना बुरहानपुर के अंदर पदस्थ थे एसआई के रूप में, वहाँ भी उन्होंने इस कार से अभद्र व्यवहार किया गया था। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा कहीं किसी और से बातचीत चल रही थी और अचानक ये बीच में आ गए, तो इस वजह से मैंने ऐसा अभद्र व्यवहार हो गया मेरे से। चलिए सुनील, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्रकारों से अभद्रता करने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर एसआई रामबाबू राठौर को लाइन अटैच किया गया है। पत्रकारों से गाली गलौज करते हुए हाथापाई की गई थी। आपको बता दें कि शराब की गाड़ी पकड़े जाने पर कवरेज करने पहुंचे थे पत्रकार, जिस दौरान एसआई ने पत्रकारों से अभद्रता की। खबरों में आगे